सांवला सालूना मेरा सोहन हो, ये सांवला सालूना मेरा संदीपन गुरु फुल का यार्य स्टूडेंट हो और वो सांवला सालूना मेरा हसोहन हो तो सांवला और बोली लड़की युवा भाइयों ध्यान देना शब्दों की ओर। अरे वो माई बहुत मेरी लाइफ बना दे बोली। अरे ओ माई बहुत मेरी लाइफ बना दे और वसुदेव की तरफ देखती जा रही और कह रही इस सांवले सनम मोर पाइप बना दे इस सांवले देखने में खूब सुंदर देखने में बीटी फुल और लगी सेंट हो वो सांवला सालूना मेरा हंसो वो सांवला सभी लड़कियां वसुदेव को देखती रह गईं। लेकिन जब देवकी की विदा हुई और विदाई के समय पर सब लड़कियां आशीर्वाद दे रही हैं कि बहन हमेशा सास ससुर की सेवा करना, पति की आज्ञा को मानना और कभी भी परिवार में किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। विदाई जब कर रही हैं और विदा हो करके जब चली है तो मैया की गलबैया डाली और रोन लगी। देवकी बोली मैया मैं जा रही हूँ और बोली देवकी मैया से मिलके रथ में बैठकर जब चली है। त्यागवीर वसुदेव साथ में है, भोजराज कंस घोड़े पर सवार होकर और बहन को छोड़ने के लिए चला है। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। अब जब देवकी नगर से बाहर निकली है भोजराज कंस पीछे पीछे जा रहा है और बहन को विदा करने के लिए। लेकिन उधर विधि का विधान कुछ और हो गया। हो क्या गया? अरे होने वाला क्या था? आका
आकाशवाणी हुई कंसराज। ओ अभिमानी हे कंसराज, और जिसे रथ में लिए जा रहा है और इसी के हाथ में गर्भ से तेरा नीच काल आ रहा है। आज भोजराज कंस ने ये सुना कि मेरा काल उसी समय रथ को रुकवा लिया। बोलो ए सारथी रथ को खड़ा कर दो। और इसी बीच में 21 रुपये बीनीस नंगला भक्ति, 25 रुपये ये क्या लिखा है अंकज नंगला भक्ति, और 51 रुपये राहुल नंगला भक्ति, 51 रुपये ओमेंद्र दूधिया नंगला भक्ति, 101 रुपया डॉक्टर सुमित जिलहोल, और 20 रुपये तेजपाल सिंह जिलहोल।